टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अबीरा और अरमान की शादी के बीच दादी साहब बम फोड़ देंगी। दादी साहब अरमान और अबीरा की शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवा देंगी और उन दिनों को पूरी फैमिली के सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देंगी। इस वजह से दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होगा। अरमान से खूब झगड़ेगी अबीरा। इस वजह से तंग आकर अरमान घर से निकल जाता है। तब अरमान का एक्सीडेंट अबीरा की आंखों के सामने होता है। अब अपकमिंग एपिसोड में अबीरा दादी साहब को करारा जवाब देगी। इतना ही नहीं, वो फंक्शन की हुई सारी जिम्मेदारी उठा लेगी। एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान एक्सीडेंट के बाद भी बिल्कुल ठीक होता है। अबीरा उसे ठीक देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद अबीरा दादी साहब को कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस देने पहुंच जाती है और दादी साहब को अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने का बोलती है। दादी साहब से अरमान भी मिलने आता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी साहब कुछ नहीं समझती। वो दादी साहब से सवाल भी करता है कि जब किसी की शादी में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो इस बार क्यों। तब दादी साहब अबीरा के बैकग्राउंड की बात करती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अबीरा फंक्शन की तैयारी में लग जाती है और वो सबको कल पैसे देने का वादा करती है। तभी दादी साहब वहाँ आती हैं और उसे खूब डरा देती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हारे कंधों पर दो घर या तुम्हारे पति की इज्जत है, लेकिन फंक्शन नहीं हुआ तो कैसे संभालेगी। तभी संजय अपनी वाइफ काजल को बताता है कि मासा ने अबीरा के लोन की गारंटर बनने से मना कर दिया है। ये सब घर के बच्चों को भी पता चलता है। दूसरी तरफ अबीरा से सब लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब वो पैसे नहीं दे पाती है रोहित सब देखती है और उसके पास आकर शादी छोड़कर भागने की नसीहत देती है। वो उसे खराब हो चुके फंक्शन और दादी साहब के नाम पर डराती है और इस दौरान वो अक्षरा और अबीरा की फोटो भी गिरने से बचा लेती है।